Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो बाहुबली नेताओं का नाम अक्सर चर्चा में रहता है। पहला नाम है मुख्तार अंसारी तो वहीं ब्रजेश सिंह है, लेकिन इस कड़ी में एक और नेता हैं जो अपने बयानों और अपने कामों को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में बने रहते हैं और उनका नाम है बाहुबली धनंजय सिंह। जी हाँ, बात करें तो मुख्तार अंसारी और धनंजय सिंह के बीच अदावत की कहानी भी पुरानी और चर्चित रही है। इस बार जिस तरीके से सूबे के विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी जेल से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी, लेकिन एंड मौके पर अपने बड़े बेटे यानी कि अब्बास अंसारी को उन्होंने टिकट दे दिया, तो वहीं धनंजय सिंह जो हैं वो जौनपुर की मल्हनी सीट से चुनावी अखाड़े में थे, लेकिन वो समाजवादी पार्टी से चुनाव हार गए थे। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान धनंजय सिंह ने बताया था कि आखिरकार उनके और अंसारी के बीच रिश्तों में इतनी कड़वाहट जो है वो क्यों आ गई थी, मुख्तार से क्यों शुरू हुई थी लड़ाई। एक चैनल को इंटरव्यू दिए थे धनंजय सिंह और उसमें उन्होंने बताया था कि साल 2002 में यानी कि धनंजय सिंह राजा भैया समेत अन्य निर्दलीय जो विधायक थे वो सरकार में शामिल ना कराने को लेकर मायावती ने बयान दिया था। हम इसको लेकर जो है जो धनंजय सिंह है इसको लेकर विरोध कर रहे थे और सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला कर लिया था। सरकार से समर्थन वापस लेने की बात पर हम सभी के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई शुरू हो गई, मुकदमा और छापेमारी शुरू हो गई थी और धनंजय सिंह ने कहा कि हम सभी पर एक रात में 10-10 केस दर्ज किए गए थे और हमें जेल में डाल दिया गया था। कृष्णानंद राय का जिक्र कर सुनाए किस्सा। धनंजय सिंह ने बताया कि बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय जिससे बात हुई थी और उन्हें अपने समर्थक विधायकों से सरकार के खिलाफ वोटिंग करने की अपील की थी। कृष्णानंद राय हमारे समर्थन में आए और उन्होंने कहा था कि भाजपा बसपा की सरकार गिर जाएगी तो सपा में हमारे बहुत विरोधी हैं, हमारा साथ कौन देगा। धनंजय सिंह ने बताया कि हमने उनके साथ खड़े होने का वादा किया था। इसके बाद साल 2005 में लखनऊ कैंट में दो पक्षों में गोली चली थी। कृष्णानंद राय का फोन आया था धनंजय सिंह के पास और उन्हें थाने में बैठाया गया। हम तुरंत थाने पहुंचे और पुलिस पर दबाव बनाकर क्रॉस FIR दर्ज करवाई क्योंकि गोली दोनों तरफ से चली थी। दोनों तरफ से लोगों को गिरफ्तार किया गया और हमने कृष्णानंद राय को पुलिस थाने से निकालकर उनके घर पहुंचा दिया। और अब इस बात को लेकर हमसे कुछ लोग रंजिश रखते हैं तो रखें, मेरी जान को खतरा भी बताया था। धनंजय सिंह ने बताया कि मुख्तार अंसारी से हमें कोई रंजिश नहीं है, वे रखते हैं तो अलग बात है। हाँ, वे उनके साथ ही मुझे मारने का प्रयास कर रहे हैं, क्या आपको आज भी अपनी जान का खतरा है। इस पर धनंजय सिंह ने कहा था कि जान का खतरा बिल्कुल है और लोग मेरी हत्या भी करना चाहते हैं। आपको पता होगा कि कृष्णानंद राय ने मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर 2002 में अफजल अंसारी को शिकस्त देकर जीत हासिल की थी। कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा था और गौरतलब है कि धनंजय सिंह जदयू की तरफ से जौनपुर मल्हनी सीट से चुनाव 2022 में लड़े थे और इसी को लेकर जो है कहीं ना कहीं रंजिश बताई जाती है। और इस तरीके से धनंजय सिंह ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेकर अपना जो बयान है वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में दर्ज किया था। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।